इसने कत्ल किया, इसने जिना किया, इसने कुरान नहीं पढ़ा, इसने कुरान को कट कर दी, इसने कुरान के करीब जाना पसंद नहीं किया, ये कभी मस्जिद में नहीं गया, इसने कभी दरूद नहीं पढ़ा, इसने कभी सलात नहीं पढ़ा, इसने कभी फजर नहीं पढ़ी, इसने कभी तहज्जुद नहीं पढ़ी, इसने तो कोई रोजा नहीं रखा, ये खाता विंडो लवानी है, राती लेके आए हैं, दूसरा बार गेट की सारी सफाई करवानी है, मिट्टी है काफी सारी, तकरीबन ट्राली डेढ़ ट्राली मिट्टी की है, वह वाली सटवानी है, वह चुपका के जी है ना वो भी सैड से करवानी है, और उस तो इलावा बाकी साफ सफाई भी जी है ना वह भी करवानी है, और हाँ एक दलीजा जी है ना इन्हों अज पेंट करना है, और वह अंदर वाली दलीज जी है साफ भी करनी है, मतलब कम जे ना सारे ही हार्ड हार्ड काम ने, और अज माशाला सारे काम जड़े ना ये निपटाने ने शुरू हो जाने हैं। अलहमदुल्ला नाश्ता वगैरह जो इन्हें कर लिया है और हम रेडी में ले आया, और अज सफाई जी है सारी करवानी है, मिट्टी सारी चुकवानी है, और इतों भी सारी रेता शेता जी ईटा ने करवा दी, वो वाली साइड भी सारी साफ करनी है, ऐली मिट्टी भी चाहनी है, इतों भी थोड़ी जी सफाई करके ऐली जी है ना जगह इतने असं हर शायद सट देनी है, मिट्टी शिट्टी या जी चीज़ भी है ना ये नाल नाल दीवार से जी सट देनी ताकि पानी का जोड़ा ना असर साड़ी दीवार ना हो, इधर इधर ही रह जाए, ये नाल नाल मिट्टी सटवानी है। तो मैं हूँ मजदूर का पता करन चला, मजदूर का पहले पता किया, मजदूर नहीं मिलता पाया सी, लेकिन हूँ जाके फिर पता करने को मजदूर जड़ा ना आ जाता है, तो उन्होंने मजदूर इधर ला दसा, और मैं बारी फिट करवानी है, और उस तो इलावा वाशरूम का जड़ा दलीज है वो साफ करनी है, उन्होंने पेंट करना है, सीमेंट लिया के थोड़ा जहा काम है वो करना है, बस ये सारे जड़े ना निके निके काम इधर मैं कर सर, इधर मजदूर जड़ा ना वो लग जा सी, तो मजदूर जड़ा ना सारा काम अज निपटा जाए सी, देखो हूँ की करता आके फिलहाल उन्होंने एक काम देना क्या है, मिट्टी जी है ना सारी सट दे, जो नाल नाल मिट्टी पूरी होगी बाकी मिट्टी जी है ना इतने एक जी करके साफ सफाई जी है ना चंगी तरह कर दी सर। अलहमदुल्ला जी मजदूर काम से ला के समझा के हूँ मैं आ गया इधर अलमारी लैके जी कल विंडो लैके आया ना यदा पतरिया नाल लवानिया इनू फिक्स करना ताकि किल जड़े ना वो ला देवन, क्योंकि बहरे मैं अंदर फिट नहीं करने दीवार से क्योंकि कल फिर दीवार तोड़नी पैगी कड़ना पैगा, तो इस तरह इन किल खिंचागे जो उत्तू रगड़ देंगे तो यह बाहर निकल आएगी और उत्तर अलमोनीयम जी ना लग जाएगी, और भाई को मैं पतरिया जी ना वैल्ड करवा पाया ताकि पतरिया नाल वैल्ड करवा कर इन्होंने जे इन्ना किल ला देंगे, बारी से जी जी साइजिंग करते पे जी पतरी असी वैल्ड करवाई ना वो पतरी सीमेंट के फिक्स करनी ताकि उत्ते जो सीमेंट लग जाएगा ना तो पतरी जी ना अंदर काबू हो जाएगी, और पता नहीं लगेगा कि पतरी ना लगी कि किसी और चीज़ ना लगी है, अली पतरी जी नाल वैल्ड करा के लिया तो यह वाली जी ना ये अंदर फिट हो जाएगी। हाँ जी बेटा वाह भी कल तो माशाल्लाह फैजा जी ना बहुत ज्यादा खुश होंगी भी है विंडो न वेख के, और लूट पूट नहीं जिस तरह बंदा होंगे उस तरह हो रही। हाँ जी एडी वी बारी लगती पी है, वाओ जी इतनी ज्यादा खुश हो। अच्छा 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 फैजा और मैं जड़ा ना जी असी अलमारी फिट कर दी है, विंडो जी असी फिट कर दी है, तो साढ़े सामने आ थलू थोड़ा जहा गैप रखे है क्योंकि कल नू पत्थर वगैरह जो लवावे ना तो फिर विंडो के अंदर भी इतने जो पत्थर के टोटे जड़े ना लगन गए, तो इस वजह तू करके जी थोड़ी जी जगह बनाई है, तो विंडो फिलहाल जी फिट हो गई है, और दरवाजे नाल इहदा कलर भी जड़ा ना वह भी मैच हो गया, तो इनू मैं फिलहाल किस तरह काबू किया इनू जी अंदरू पतरियां लवा के ना तेनू स्टील के किल जड़े ना ला दिते ने, यह हुण दोबारा पटींदे नहीं ठीक है जी, इधरों भी ला दिते ने और चार जगह तू हुण काफ़ी जी ना मजबूत हो गई है और सेफ्टी हो गई है घर दी, और नवी विंडो के नाल जी ना जी मुबारकबाद के हार जड़ा ना वह भी आके टंगी गया, बहनोई मेरे ने हाफिज गुलजार साहब आए ने तो इन्होंने मुबारक दी घर की और नाल हार लैके आए हैं कि असं जरा घर के दरवाजे अगर लावे, फिलहाल फिर दरवाजा तो मेन तो बहरला बनता है लेकिन ए वाले दरवाजे नाल फिर टंगींदा ही नहीं है क्योंकि ये कुंडे दूसरे लगे हुए हैं, इनका दूसरा है कोई नहीं हिसाब किताब और ना किसी होर जगह, तो फिर नवी नवी विंडो लगती पी सी तो वह फिर उन्होंने विंडो नाल ही ला दिता जी। खैर मुबारक थानू भी मुबारक होवे क्योंकि थानू भी उन्नी खुशी है जिनी सानू खुशी है इस घर की, तो बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी, बैठो हूँ मैं पानी शानी मंगाना वा तो बह के फिर गप्पा शप्पा मारने, मिट्टी जी है जी नाल नाल सटींदी पई है, मुंडे नूं मैं लाया होया मुंडा जिहड़ा ना ट्राली से मिट्टी सट्टदा पिया और सारी अज मिट्टी जी है ना ये इधर सटीज असी नाल जिनी भी इतने जी आनी है, उस तो इलावा बाकी जी बचेगी ना
ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤਾ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਸਾਂ ਰੇਡੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸਹੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਔਰ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਫੈਜ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੂਟ ਪੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 50% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਗਰੀਲਾ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੰਡੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲਮਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਗੱਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਜ਼ੂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੋਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੁਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਧੋਣ 'ਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨੀਵੀਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਡਾ ਕੁ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਮੈਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਰਾ ਸ਼ਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਧੋਤੇ ਜਾਵਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਾਦ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਸਰੂਫ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਸਵਖਤੇ ਜਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं पीर नसीरुद्दीन नसीह का लिखा हुआ कलाम है आशिक़े रसूल है कुरान शरीफ के ताजदार आपने लिखा कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं किस चुम्या यार गुलाब तुई किस जाके कलीनों चुम्या किस चुमिया यार दी चौखट नू किस जाके गली चुमे ते किस चुमिया आके नू रौस ताई किस पीर अली नू चुमिया जावा सदके ਕਦੀ ਕਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅੱਲਾ
घरों को वीरान करने वाले हैं। अगरचे हम जिना में मुब्तला है, अगरचे हम शराब और फिस्को फुजूर में मुब्तला है, लेकिन खुदा की कसम जब कयामत का दिन ये सवाल होगा, ए मोहम्मद बताओ ये किसका है, हुजूर फरमाएंगे मेरा। सारे कहेंगे इसने कत्ल किया, इसने जिना किया, इसने कुरान नहीं पढ़ा, इसने कुरान को कट कर दी, इसने कुरान के करीब जाना पसंद नहीं किया, ये कभी मस्जिद में नहीं गया, इसने कभी दरूद नहीं पढ़ा, इसने कभी सलात नहीं पढ़ा, इसने कभी फजर नहीं पढ़ी, इसने कभी तहज्जुद नहीं पढ़ी, इसने तो कोई रोजा नहीं रखा, ये खाता खाएंगे तुम्हें क्या है मेरा। क्या बात, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक बिन हाकिम के अंदर एक हदीस लिखी, खुदा की कसम बंदे की छाती चौड़ी हो जाती है, मेरे लिए नबी पाक ने यह किया। अच्छा, कयामत का दिन होगा तो हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम को सबस जोड़ा पहनाया जाएगा और नूर के मिंबर पे हजरत आदम तशरीफ फरमा होंगे। आपको बात समझ आ रही है? खुदा की कसम टेंपरेरी बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बातें छोड़ेंगे। आप तकरीर के लेवल को देखिए, प्रोफेशनल तकरीर नहीं है भाई। वेलकम बैक, घर पहुंच गए हैं और तुसी साये कमेंट करके पूछते वैसे सारे बहन भाई के थोड़ा व्लॉग जो है ना कल क्यों नहीं आया। एक तो माशाल्लाह फैजा की तबीयत हूँ माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, लेकिन कल इनकी तबीयत रात को खराब हो गई सी थोड़ी जी, तो यदि भी टेंशन आई है। तुम्हें पता है सारा खिलारा जोड़ा ना उस तरह पिया हो, अज मुकम्मल सफाई करनी है, वरना क्योंकि अज का दिन आखिरी है साढ़े को सुबह इनशाला जो है ना मिलाद शरीफ है, तो इस वजह तो अज सारी कंप्लीटली सफाई जी है ना वो करनी है, तो जिंद वजह तू जो है ना कल प्रॉब्लम रहे हैं। यह आला कल मैं बनाया से तुम्हें विखाता पाया सी यह आला जगह, तो लेकिन इनकी भी हाले फिनिशिंग वगैरह जी है ना करने वाली है, मतलब पलस्तर जिन्हों असं आने ना पलस्तर वगैरह जो है ना होने वाला है, वो वास्ते गिरमाले की जरूरत पेगी मैनू, वो मैं शायद हो सकता फिर ले आवा नवा कोई छोटा जहा, तो वाल जरा ना यदा कोई गिरमाला शरमाला बना गया बनावे तो मारा इनू जी मेरी जान। ओ की होया मेरा पुत्र नो, खरा हो जाओ, खरा हो जाओ, आ जाओ आ जाओ, उधर खरे हो जाओ, खरे हो जाओ, खरे हो जाओ, अच्छे अच्छा वो पाँव के नीचे कमीज फंस गई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बेगम साहब जो जी है ना उदी भी तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है, फैजा की तबीयत भी खराब है, उदी रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि थानू पता है कि असी एक तो होटलिंग भी इन्नी ज्यादा नहीं करते और दूसरे नंबर से देगी खाना जड़ा है ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तो फिर इस तरह के फंक्शन से मजबूरन खाना पैंता है क्योंकि इो जो फंक्शन से पक्या होया ही वो चीज़ होंगी है, तो फिर स्पैशल जड़ा है वो कोई नहीं तमाम किया जाता कि मतलब है कोई एक किसी एक मेहमान वास्ते कोई स्पैशल जो है ना कोई अहतमाम हो, यदि वजह तो भी जो है ना ये रीजन हा कि एक दो खाने जड़े ना वो बाहरों खाधे ने मतलब देगी खाने खाधे ने जिदी वजह जुदी जो ना वो प्रॉब्लम बन गई, तो हूँ अलहमदुल्ला कुछ बेहतर है तबीयत, फैजा की भी दवाई लैके आए हैं सुबह सुबह हूँ भी लई है रात भी लई सी, तो अपने वास्ते भी कोई थोड़ी बहुत मेडिसन जी है ना वो भी खाधी है, तो हूँ अलहमदुल्ला फिट है, तो हूँ इनशाला काम शुरू करने हैं, लेकिन वो थोड़ा अगले ब्लॉग मिलेगा, यह वाला ब्लॉग जो है ना इतने खत्म करना है, काफ़ी देर हो गई ब्लॉग न कल सुबह का चलता पे अब सुबह होगी, तो इनशाला नवे ब्लॉग जो ना मिलने वो दसते हैं, तो उसकी पूरी फैमिली को इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआएं याद रखना है, बन्ना बन बन प्यार, अल्लाह हाफिज़।